नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा के कोहट वार्ड में। हमारे बीच सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सूरज नारायण गुप्ता जी से हम सीधी बात करेंगे। सूरज नारायण जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है सूरज जी, आपका जो राजनीतिक जर्नी है, जो आपकी शुरुआत है, कैसे आपकी भाजपा में जुड़ा हुआ था? सर, मैं बचपन से, हमारा जो गाँव का क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ था उस टाइम, अब हाथरस हो गया है जी। तो हम लोग भाजपा से, संघ जो हमारा जनसंघ का चुनाव होता था तो दीपक से होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक के साथ हम लोग जुड़े हुए थे, मेरा सब परिवार। और मेरा ब्राह्मणों का गांव है, महमूदपुर ब्राह्मणान। तो लगभग सभी लोग अपने बहुत अच्छे से भाजपा से ही जुड़े हुए थे। उसमें हम लोग अपने परिवार में सभी लोग जितना सहयोग हमसे होता था, हम जनसंघ के लिए देते थे जी, तन मन और धन। अब हम लोग फिर दिल्ली आ गए हैं, अपने साहिब सिंह वर्मा जी से जुड़े जी। और हमारे वर्मा जी पूजनीय, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व और बहुत ही गंभीर उसके थे, प्रतिभावान जी। हर कार्यकर्ता को वह अपनी दृष्टिकोण से जितना भी सुलभ होता था कार्य, उसका उसे करवाते थे जी। खुद खड़े होकर। अब जो लोग नए आ रहे हैं, हम लोग भी अब यहाँ पे और लोगों से जुड़े, हमारे रमेश डबास जी भी बहुत बढ़िया यहाँ देख रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य किए उन्होंने, और वह भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा तत्पर जी, तुरंत ही एक्टिव होते थे और तुरंत ही उसका सहयोग जैसा भी होता था वो करते थे। अच्छा सूरज नारायण जी, आप देख रहे हैं कि जैसे कोरोना महामारी आज भी जारी है जी, और जब ये 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस दौरान आपकी क्या सेवाएं रही अपने लोगों के बीच? सर, हम लोगों पे जो भी बना, यानी किसी को राशन है, पैसे की भी ज़रूरत थी, हमने उसको भी पूरा किया जी सर। हम लोगों ने, जब हमारे यहाँ कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने, सभी ने पूछ पूछ के किराएदारों से, वैसे सभी लोगों को जो भी हम पे सहयोग बना दिया जी। किराएदार भी हमारे काफ़ी पैसे लेके चले गए, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब लोग उस समय एक ऐसे उससे गुजर रहे थे परिस्थिति से, जिससे यानी असंभव ही नहीं था कि क्या ये संभव हो जाएगा। तो मोदी जी की बड़ी मेहरबानी, उनका हमें आभार व्यक्त करना चाहिए जी, कि उनकी प्रेरणा से जी, वो थाली वाली, ये तो सब लोग ड्रामा करते हैं, पर वो एक हमें जागरूक करने के लिए था, जगाने के लिए था। थाली बजाना कोई शौक नहीं है उनका, हम लोगों को जागृत करना था। बिल्कुल। हाँ, और उसी दरमियान जिस पे जितना कार्यकर्ता था, संघ से लेकर के बीजेपी का, सभी ने सभी सेवाएं दी जी। खाना पीना रहना, किसी पे किराए के लिए पैसे नहीं है, उसे भी चल भाई तू भी ले जी। कहीं आने जाने के लिए बीमारी हारी में सभी लोग, सभी हमारे सकुरपुर मंडल के जितने लोग थे, सभी तत्पर तुरंत तैयार रहते थे। हमारे किशन बीमार जी भी काफ़ी लोगों को खाना बनवा के बांट चुके हैं जी सर, घरों तक पहुंचवाया, जो भी सुविधाएं थी हम लोग जो उपलब्ध करा रहे थे अपने आप से जी, जो मिलता था सहयोग, उसे भी हम सभी लोग वितरित करते थे जी। अच्छा सूरज जी, ये बताएंगे आप, जैसे त्रिनगर विधानसभा में आपके कोहट मंडल भी और शकुरपुर वार्ड है जी, यहाँ के जो काउंसलर हैं, यहाँ के जो विधायक हैं जी, उनका कैसा मतलब रोल है एक महामारी के दौरान या क्षेत्र के विकास को लेकर? अगर हम बात करें के दौरान जी, सबने अपना अपना जैसा जिसके हुआ उसने किया है, बाकी जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और इसका सभी को दुख भी है कि हमारे यहाँ के मान लो पार्षद जी हैं, हमारे विधायक भी हैं, पर यहाँ से जो किराएदार थे, जो भाग चुके थे, अब उन्हें तो रोक पाना असंभव था, न विधायक रोक सकते हैं, न पार्षद रोक सकता है, अब उसका श्रेय किसके सिर जाता है ये तो अब नहीं कह सकते। तो कहाँ पार्षद कौन है अभी? पार्षद सकुरपुर के अशोक गंगवाल जी हैं, और कोहट से सर? कोहट से सर मीनाक्षी बेनीवाल जी हैं हमारी, बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार हैं वो, और बहुत अच्छा कार्य करती हैं, कोई उनके यहाँ से भी वापस नहीं आता। अगर किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उनके पास, तुरंत उस काम में वो लोग, हमारे रविंद्र बेनीवाल अध्यक्ष थे, अब तो आनंद जैन जी हो गए हैं हमारे,
वो भी बहुत एक्टिव आदमी है और आज भी बहुत एक्टिवता से, कल भी उन्होंने जल छिड़काव करवाया है काफ़ी रोडों पर और बहुत बढ़िया अपने कार्य को वो कभी अधूरा नहीं छोड़ते, हमेशा पूरा करने की कोशिश करते हैं जो भी उन्हें कार्य मिलता है। सर MCD चुनाव नज़दीक है, 22 में चुनाव है जी, तो इस बार क्या रुझान देखने को मिल सकता है? हमारे आदेश गुप्ता जी आ गए और बैस समाज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और बैस समाज 100 मत कहिए आप 90% तो आपके साथ BJP से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, शुरू से लेकर आखिर तक। सर केजरीवाल सरकार को लेकर बात करते हैं, सर केजरीवाल सरकार देखो जी अपना वर्चस्व लगभग वो खराब कर चुके हैं केजरीवाल जी, ये जो हिंदू मुस्लिम दंगा जो हुए हैं, ये जो रोड जाम हुए हैं जी, इससे काफ़ी लोग आहत हुए अंदर से, दुकानदार भी बहुतों का नुकसान, बहुत दोनों तरफ से दोनों लोग यानी अपने अंदर से एक त्राही हो मची दिल्ली के अंदर और एक भय का वातावरण इतना दूषित कर गया है लोगों के दिमाग को कि वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। अभी बार बार यही सोचता हूँ, अब आजकल ये देखो जहांगीरपुरी हुआ, यहाँ हुआ, कहाँ मर्डर हो गया, क्या ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत राजधानी क्षेत्र। जी हाँ जी हाँ। तो सर मोदी जी के नेतृत्व में कैसा लग रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा था? देश हमारा बहुत ऊपर और उम्मीद से अच्छा काम हमारे मोदी जी ने किया है। मोदी जी कभी भी दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते हैं, वो एक महान आत्मा है और शायद हम किसी इस जन्म में तो नहीं मोदी जैसा पाएंगे जी। PM कोई भी, ये तो प्रभु का एक हाँ अवतार कह लीजिए आप, ये संसार में एक नायक के रूप में है हमारे लिए, जैसे कृष्ण राम, और मैं शायद मोदी साहब को राम और कृष्ण जैसा ही मानता हूँ और दिल से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर लास्ट में कोई संदेश देना चाहते हैं, जैसे अभी त्यौहारों का टाइम है सर, लोगों को एक जागरूकता देने के लिए, अब दिवाली का टाइम आ रहा है इस समय। जी सर मैं तो यही कहूँगा कि अपनी प्रेम भावना, हमारा जो मनुष्य जीवन है वो एक दूसरे को समर्पित है, अपने लिए नहीं है उसमें कुछ, दूसरों के लिए ही है। आप दूसरों के लिए अच्छा करें और अच्छा सोचें और अच्छे विचार लाएँ, हम सब भाई भाई हैं, यहाँ कोई दोस्ती और दुश्मनी नहीं करने आया, सभी लोग सिंगल आते हैं और सिंगल ही चले जाते हैं, उसके साथ कोई नहीं जाता और न कोई आता है, आता भी कोई नहीं और जाता भी कोई नहीं है। तो हम अपनी जो सद्भावना है उसे बनाए रखें और प्रेम पूर्वक जो भी त्यौहार हैं उन्हें परमात्मा के चरणों से, उनके आशीर्वाद से बड़े शांति सौहार्द से इसको निभाएं, मनाएं। और थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात सूरज नारायण गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।